अस्सलाम वालेकुम मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अलीगढ़ नॉस्टैल्जिया की टीम का कि तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ तहरीक के बारे में चंद अल्फाज बोल सकूँ मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा मैंने मास्टर्स इन लॉ एलएलएम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1978 सेवेंटी एट टू नाइनटीन एटी में मैं एम यू का तलब इल रहा उससे पहले मेरी एजुकेशन मेरठ यूनिवर्सिटी और ख़ुरजा में हुई अलीगढ़ से मेरा ताल्लुक़ उसके बाद भी मुसलसिल रहा और अभी आ, तीन साल आ, दो हज़ार से 2020 तक अल्लाह का करम है कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खिदमत करने का फिर मौका मिला और मैं एम यू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विज़िटर्स नॉमिनी के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी के तौर पर मैंने तीन साल नाइनटीन टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड ट्वेंटी काम किया और ये अल्लाह का का बहुत बड़ा करम है कि मैं अपने आलमा मेटर में उसकी जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसका मैं रुकन रहा और 2016 से 2019 तक एम कोर्ट का आ, मेंबर भी रहा आ, तो इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो पुराना ताल्लुक़ था उसका एक तरह से फिर एक रिवाइवल हो गया बीच में भी मुसलसिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा और 2008 में जो उस साल का कन्वोकेशन था मैं उस वक्त सदर जमहूरिया हिंद ए पी जे अब्दुल कलाम के साथ प्रेस सेक्रेटरी था तो उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर ए पी जे को मैं इस कन्वोकेशन में एज़ चीफ गेस्ट लेकर आऊँ तो डॉक्टर कलाम को मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन में एज चीफ गेस्ट लेकर गया 2008 में जहाँ तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो है ही मगर उससे बहुत ज़्यादा ये एक एक्चुअली तहरीक है और एक तहजीब का मरकज़ है और मेरे वालिद वो भी अलीगरियन थे उनका नाम मोहम्मद इकबाल ख़ान था वो भी एडवोकेट और प्रोफेसर ऑफ लॉ थे और उन्होंने नाइनटीन में ए एम यू से तालीम हासिल की थी तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि उस ज़माने में एम यू में लोग इसलिए आते हैं कि तहजीब सीख सकें जबान सीख सकें उर्दू सीख सकें मतलब एजुकेशनल डिग्री लेना तो एक मकसद होता है मगर उससे ज़्यादा एक मकसद और होता है कि वो तहजीब सीख सकें और किस तरह से सोसाइटी में मूव करते हैं क्या सोसाइटी में मूव करने के आदाब होने चाहिए वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग अलीगढ़ में हुआ करती थी जहाँ तक मुसलमानों के तालीमी पसमानदगी का सवाल है और जिसको लेकर अट्ठारह के बाद अट्ठारह के जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसके बाद सर सैद अहमद ख़ान साहब ने जो ये तहरीक शुरू की उसका मेन बैकग्राउंड उस टाइम ये था कि सर सैद उस टाइम बहुत फिक्रमंद थे कि मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं और अठारह सौ सत्तावन में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो मुस्लिम्स का हुआ और अंग्रेज़ों को ये अंदाज़ा हो गया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर ख़त्म नहीं होगी तो हम हमें यहाँ से हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि अट्ठारह सौ सत्तावन में सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों से आ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें यह लगा कि मुस्लिम्स आर इन दी फोर फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट सर सैद ने जो उस जमाने में ये तहरीक शुरू की और पहले मदरसे का क़्याम किया फिर मोहम्मदन एंग्लो औरटल कॉलेज और अट्ठारह सौ अट्ठानवे में उनका इंतकाल हो गया और फिर प्रेजेंट फॉर्म में यूनिवर्सिटी 1920 में आई मगर वो अपने ज़िंदगी में ही इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर गए थे क्योंकि उनका इरादा ये था कि इसको यूनिवर्सिटी बनाना है उनका इंतकाल हो गया मगर उसके बाद उनके जो फ्रेंड्स थे और जो और लोग थे कम्युनिटी के उन्होंने उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया और यूनिवर्सिटी का क़्याम अमल में आया उस मोहम्मदन एंगलो औरटल कॉलेज की इतनी इम्पॉर्टेंस थी कि जब सर सैद अहमद ख़ान साहब ने अट्ठारह में मॉमडन एंग्लो ऑरियनटल कॉलेज बनाया तो उसका इनाग्रेशन uh, करने के लिए उन्होंने वासराय को इनवाइट किया तो दैट वाज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन विच सर सै दैट सेटअप इन 1875 सेवेंटी फाइव विच अल्टीमेटली बिकम ए यूनिवर्सिटी इन नाइनटीन जहाँ तक अलीगढ़ की यादें हैं और अलीगढ़ के एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा तवील अलीगढ़ में नहीं गुजरा मगर दो साल में जो कुछ मैंने अलीगढ़ में देखा या बाद में देखा या उससे पहले देखा उससे वस्तगी अलीगढ़ के हर स्टूडेंट को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अलीगढ़ का, का स्टूडेंट जो है अलीगढ़ की मेमोरीज़ को कभी भूलता नहीं है चाहे वो दुनिया में कहीं चला जाए अलीगढ़ की मेमोरीज़ उसके साथ रहती हैं और वो हमेशा एक प्राउड अलीगेरियन रहता है वो दुनिया में किसी भी अहदे पे पहुंच जाए मगर वो सबसे पहले उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है दैट आई एम एन अलीग आई एम फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आज भी वही पोजीशन बरकरार है अक्सर मैं ये कहता हूँ कि सर सैद अहमद ख़ान का जो सेलिब्रेशंस हम लोग करते हैं वो पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं कि दिस शुड गो टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कि किसी पर्सनालिटी के आ, की आ, डेथ बर्थ एनिवर्सरी पर आ, इतने प्रोग्राम्स दुनिया भर में मेरे ख़्याल में किसी मुल्क में ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है कि जिसको मेमोरी में आज भी जबकि सर सैद अहमद ख़ान साहब के इंतकाल को 125 साल के करीब हो गया मगर आज भी सर सै अहमद ख़ान साहब के लिए जो लोगों के आ, के जहन में जो उनकी इज़्ज़त है जो उनके विजन की अहमियत है और जो उनके विजन को कंटिन्यू करने की जो लोगों में इंटरेस्ट है वो आज भी कायम है और वो लोग आज भी हर साल हम सभी लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी अलीगढ़ के वो उसको सेलिब्रेट करते हैं अब ज़रूरत यह है कि हमें और बहुत सी ऐसी तहरीकों की ज़रूरत है कि तो सर सैद अहमद ख़ान ने जो तहरीक चलाई उसके बाद में अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ हकीम अब्दुल हमीद साहब का जिन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में उस तहरीक को आगे रखा और जाम हमदर्द क़ायम किया उससे पहले अलीगढ़ की तहरीक से निकल के जाम मिलिया इस्लामिया क़ायम हुआ उन्नीस सौ बीस में ही उन्नीस सौ बीस और पच्चीस के दौरान और झर साहब जो ए एम यू के ही आलुमनई थे वह अलीगढ़ जामिया मिल् इसमिया के पहले वाइस चांसलर बने तो ऐसी कई तहरीकें शुरू हुईं जुनूबी हिंदुस्तान में भी हुई उन सब पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का असर था और हम यही कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज मदर ऑफ़ ऑल एजुकेशन इन इंडिया एंड पर्टिकुलरली फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स ऑपरेस्ड क्लास बैकवर्ड who एंड left behind in इन field फील्ड ऑफ एजुकेशन जहाँ तक मेरे ज़माने की कुछ मेमोरीज़ का सवाल है उस वक्त सैद हामिद साहब वाइस चांसलर होते थे और अनफॉर्चुनेटली ये था कि उस जमाने में अलीगढ़ के फरक़ाणा फसादात अलीगढ़ में अक्सर हुआ करते थे उस उन आ, सालों के दौरान और कई मरतबा यह हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन हालात की वजह से वक्ती तौर पर बंद करना पड़ा था और फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खुलती थी तो फिर उसी जोश और खरोश के साथ सब स्टूडेंट्स आते थे कई बार हॉस्टल्स खाली करने हुए बिकॉज ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम मगर एक चीज़ थी, थी उस ज़माने में कि जो यूनिवर्सिटी के आला अलादेदारान होते थे या जो प्रोफेसर साहिबान होते थे वो एक्सेसिबल बहुत होते थे वो मेरे ख़्याल में बाद में वो चीज़ नहीं रही उस ज़माने में ये था कि कोई भी स्टूडेंट कभी भी वाइस चांसलर से मिल सकता था कोई भी स्टूडेंट कभी भी रजिस्ट्रार से मिल सकता था प्रॉक्टर से मिल सकता था अपने डीन और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से मिल सकता था वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो एक्सेसिबिलिटी थी कुछ तो हालात ऐसे हुए कुछ और चीज़ें हुई कि वो वो एक्सेसिबिलिटी कम हो गई और प्रोफेसर्स का और स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन किसी भी तालीमी इदारे की तरक्की का के लिए बहुत ज़रूरी है दूसरी चीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक हॉस्टल कल्चर रहा है वो पूरी दुनिया में आज भी मशहूर है वो लोगों में आपसी दोस्ती और दोस्ती के साथ साथ लड़ाइयाँ भी और उसके बाद हॉस्टल में किस तरह से लोग रहते थे एक एक कमरे में चार चार पांच-पांच लोगों का रहना और उनमें आपसी तालमेल भी अच्छा रहता था और एक ख़ास पहचान उनकी होती थी कि अलीगढ़ वाज नोन फॉर बाईसाइकिल्स अब तो शायद मोटरसाइकिल्स ज़्यादा हो गई होंगी मगर उस ज़माने में चाहे किसी भी हैसियत का स्टूडेंट होगा चाहे वो बहुत ही इकोनॉमिकली uh, बहुत साउंड हो या इकोनॉमिकली हो मगर लो हो, मगर एक सिमिलरिटी होती थी कि एवरीबडी वुड बी हैविंग अ साइकिल सिर्फ उसमें ये हो सकता था कि किसी की नई साइकिल होती थी किसी की पुरानी साइकिल होती थी मगर हर हॉस्टल में हर स्टूडेंट के पास साइकिल होना बहुत ज़रूरी था और वो साइकिल को बड़ा प्राइड प्राउडली यूज़ किया करते थे और दूसरा एग्ज़ाम्स के दौरान आ, जो एक हॉस्टल्स में माहौल रहता था वो अपने आप में ही एक अलग माहौल होता था कि अगर पूरे सेमिस्टर में या पूरे साल में भी जिस तलबिल ने भी नहीं पढ़ा है उस टाइम वो आठ दस घंटे पढ़ने का माहौल रहता था और वो एक दूसरे से लोग नोट्स का एक्सचेंज करना डिस्कशंस करना एक दूसरे के कमरे पर जाना वहाँ पर पढ़ना तो वो उस जमाने में बड़ा अच्छा एक माहौल रहता था एजुकेशन का जब एग्ज़ाम शुरू होने होते थे फिर दूसरा एक और हमेशा स्टूडेंट्स इस, इस काविश में रहते थे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएँ तो फिर वो प्रोफ़ेसर्स के चक्कर लगाना क्योंकि कई एग्ज़ाम्स इंटरनल एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें अक्सर ये कोशिश रहती थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवालत का पता चल जाए जिससे उनकी तैयारी महदूद हो और वो ज़्यादा उन्हें काविशन करनी पड़ें तो ये सब माहौल अलीगढ़ के रहे हैं और एज अलीगेरियन आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय एएमयू आइडेंटिटी वेन एवर आई गो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैंतीस साल सर्विस करी मगर उस दौरान भी जहाँ भी मुझे अपनी अलीगढ़ आइडेंटिटी को प्रोजेक्ट करने का मौका मिला मैंने किया और एक मैं एक और आपको बताऊंगा कि जब डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सदर थे तो 2006 में सूडान के दौरे पर गए थे ऑफिशियल विज़िट टू तो सूडान में भी उनके साथ था तो वहाँ उस टाइम उसामा उमर अल बशर उमर अल बशीर सदर थे तो उनकी मीटिंग हुई वहाँ डेलीगेशन से कैबिनेट की मीटिंग तो उमर अल बशीर ने उनसे ये कहा उस मीटिंग के दौरान कि अब ये पोजीशन थी अलीगढ़ की जो आज शायद नहीं रही है दुनिया में तो उमर अल बशीर ने प्रेसिडेंट कलाम को ये कहा कि हाफ ऑफ माय कैबिनेट मिनिस्टर्स आर एम यू तो सूडान वगैरह से और, और बहुत से मुल्कों से इतने लोग आते थे और उन्होंने अली तलीम हासिल की तो फिर डॉक्टर कलाम ने उसी मीटिंग में ये कहा कि आई हैव ऑल्सो एन ऑफिसर इन माई डेलीगेशन मेरी तरफ देखते हुए कि ही इज़ ऑल्सो एन अलीगढ़ एलमिनस और उसके बाद जब कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म हुई प्रेसिडेंट की उनके प्रेसिडेंट से और उनकी कैबिनेट से तो उसके बाद कम से कम आठ या दस मिनिस्टर्स ने मुझे मिले वहीं पर और वो अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उन्होंने बातें पुरानी यादें रेमिनेस ऑफ एम यू मुझसे डिसकस करना शुरू कर दिया और वो कोई किसी हॉस्टल में रहे थे कोई किसी हॉस्टल में रहे थे और वही सद सैद डे डिनर और अलीगढ़ का कन्वोकेशन और अलीगढ़ के स्पोर्ट्स और अलीगढ़ की शामें और अलीगढ़ की रातें और अलीगढ़ के कैफ़ेस उन सब के बारे में वो लोग एज़ मिनिस्टर इन सूडानीज दे वर टॉकिंग अबाउट दैट एंड रिमेंबरिंग दैट ए लॉट तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज़ तो और बहुत हैं दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ हैं मगर जो कनेक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का रहता है अपनी यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो बिल्कुल एक अलग तरह का है और उसमें हमेशा एक अपनाइत रहती है मतलब जैसे कि हर आदमी अपना एक क्लेम समझता है यूनिवर्सिटी के ऊपर और यूनिवर्सिटी की खिदमत करने के लिए भी तैयार रहता है एएमयू के एलुमनाइज़ ने बहुत खदमतें भी की हैं यूनिवर्सिटी की जहाँ जहाँ उन्हें पॉसिबल हो सका है तो मेरा मैसेज ये है कि एज एन एम यू एलमिनस आई वुड ग्रीट एवरी अलीगेरियन एज वेल एज़ दो आर सिंपथाइजर एंड एसोसिएट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हेल्प एजुकेशनल मूवमेंट वेनवर इट इज़ पॉसिबल एंड टू एनरिच पीपल एंड एम्पावर पीपल विद एजुकेशन एक मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि मैं मेरे छोटे भाई वो भी अलीगेरियन है वो एटलान्टा में रहते हैं और वो जो अमेरिका में कॉन्फेड्रेशन है ए एम यू एसोसिएशन की उसके ट्रेजरर भी हैं तो मैं अटलांटा गया अटलांटा में मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने तो वहाँ काफ़ी लोग ऐसे मुझे मेंबर्स मिले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे मेंबर्स हैं वो इंडिया के थे पाकिस्तान के थे और और बहुत से मुल्कों के थे तो उन्होंने ये बताया कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं कि जब हमें पता चला कि यहाँ एम यू की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है तो हमने कहा कि हम बदकस्मती हमारी कि हम अलीगढ़ में पढ़ तो नहीं पाए मगर अब किसी ना किसी तरह से अलीगढ़ मूवमेंट के साथ हम शरीक हो जाएं। ये मेरे ख़्याल में एक बिल्कुल एक एक्सेप्शनल एक चीज़ है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ के मेंबर बने कि जो अपने इंटरेस्ट से कि जहां आप पढ़े नहीं हैं मगर वो क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लोगों का इतना रहा जो नहीं भी पढ़े कि वो उसके मेंबर हैं अमेरिका में कई जगह मुझे पता चला कि ऐसे लोग मेंबर्स हैं और बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी उसके एम ओल्ड बॉयज़ उसके फंक्शंस में और एक्टिविटीज़ में जो उसके अलीगढ़ के प्रोडक्ट नहीं रहे हैं तो मैं आखिर में फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इसी तरह से नाम रोशन रखें और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अनुबुनाई और जो वक्त स्टूडेंट्स हैं और उस हैं वो हमेशा अगर आपस में उनका रबता रहे और उनकी एक्टिविटीज़ से वस्तगी रहे तो वो भी एक बहुत अच्छा आ, स्टेप है कि अलीगढ़ मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफ